अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2। कल एक स्टूडेंट का टेक्स्ट आया था कि आप हमें जो है क्वेश्चन नंबर 9 से ऑनवर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो सेंड करें। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू ए पावर एक्स। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, मैकलोनियन सीरीज़ जो है वो फाइंड करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेके लेंगे, कंजक्टिव डेरिवेटिव लेते हैं हम। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। टेकिंग कंजक्टिव डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जो इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास, हम इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेंगे। वी गेट, इसका हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेते हैं एफ डैश ऑफ एक्स। हमारे पास क्या आ जाएगा, जब भी कॉन्स्टेंट की पावर वेरिएबल हो तो हम उसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, ए पावर एक्स एज इट इज ln ऑफ, यानी कि log ऑफ a, जो भी कॉन्स्टेंट होगा उसका हम क्या ले लेंगे, log ले लेंगे। ये हमारे पास आएगा डेरिवेटिव। जब भी हमारे पास कॉन्स्टेंट की पावर वेरिएबल होगा तो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, a पावर x log ऑफ a। ये हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा इसका, हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा, ये हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट। जब भी कॉन्स्टेंट होती है उसको हम, कॉन्स्टेंट को हम क्या लिखेंगे, एज इट इज़ ऐसे लिख जाएंगे। ठीक है, ये कॉन्स्टेंट टर्म है ना, तो ये कॉन्स्टेंट एज इट इज़ आ जाएगा। ए पावर एक्स का डेरिवेटिव वही क्या आ जाएगा, ए पावर एक्स एज इट इज़, यानी कि क्या है, कॉन्स्टेंट की पावर क्या है, वेरिएबल, ए पावर एक्स एज इट इज़ लॉग ऑफ ए। ठीक है, ये देखिए ये दोनों सेम है तो इसकी पावर क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, लॉग ऑफ ए पावर क्या आ जाएगा, 2, यानी कि स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा सेकंड डेरिवेटिव। सिमिलरली हम इसका थर्ड डेरिवेटिव लेते हैं, थर्ड डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका थर्ड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, क्या करेंगे, सिमिलरली जो हमने सेकंड डेरिवेटिव में किया, ये जो फंक्शन है इसको हम एज इट इज लिख देंगे, ये कॉन्स्टेंट है। ठीक है, इसमें कोई भी वेरिएबल इंक्लूड नहीं है क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो ये जो फंक्शन है एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम इसका डेरिवेटिव, सिमिलरली क्या है, कॉन्स्टेंट की पावर वेरिएबल है तो क्या आ जाएगा, ए पावर एक्स, ए पावर एल एन ऑफ ए। ठीक हो गया, अब ये हम कैसे लिख सकते हैं, ए पावर एक्स एल एन ऑफ ए पावर क्या आ जाएगा, 3। ये इसका क्या है, थर्ड डेरिवेटिव। सिमिलरली अब हम इसका फोर्थ डेरिवेटिव लेंगे तो हम, हमारे पास क्या सीक्वेंस बन रहा है, फोर्थ डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या सीक्वेंस बन रहा है, जब हमने सेकंड डेरिवेटिव लिया तो पावर स्क्वायर में, थर्ड डेरिवेटिव लिया तो पावर क्या, 3 में, तो हमारे पास जो सीक्वेंस बन रहा है, तो हमारे पास जो फोर्थ डेरिवेटिव आएगा, आप इसका डेरिवेटिव लेके भी देख लें तो हमारे पास डेरिवेटिव आ जाए ए पावर एक्स लॉग ऑफ ए होल पावर 4। ये इसका आ जाएगा हमारे पास फोर्थ डेरिवेटिव एंड सो ऑन। ठीक हो गया, अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x इक्वल टू 0 इन ऑल अबव इक्वेशंस। जो ये हमारे पास डेरिवेटिव आए हैं, यानी कि फंक्शन में भी पहले हम जो है वो 0 पुट करेंगे x की जगह, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव एंड देन फोर्थ डेरिवेटिव में, इसमें हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे। नाउ पुट x इक्वल टू 0 इन ऑल अबव इक्वेशंस, पुट x इक्वल टू 0 in all above equations we get अब क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 पुट करते हैं। ठीक है, अबव इक्वेशंस में सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन में x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, f ऑफ 0, ये जो फंक्शन है फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें हमने क्या पुट किया, x की जगह 0 पुट किया, क्या है, a पावर x की जगह 0, समथिंग पावर 0 विच इज इक्वल टू 1। फर्स्ट डेरिवेटिव है f डैश ऑफ x, अब इसमें हम क्या करेंगे, f डैश ऑफ 0 विच इज इक्वल टू f डैश ऑफ x, क्या है हमारे पास, ये a पावर क्या आ जाएगा, 0 नेचुरल लॉग ऑफ
ए, क्या आ जाएगा? ए पावर ज़ीरो वन लॉग ऑफ ए, क्या आ जाएगा? लॉग ऑफ ए। नाउ सेकंड डेरिवेटिव, पुट एक्स इक्वल टू ज़ीरो, सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास क्या है? ये ए पावर एक्स, ए पावर ज़ीरो लॉग ऑफ ए होल स्क्वायर समथिंग पावर ज़ीरो वन लॉग ऑफ ए होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव। थर्ड डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा? एफ ट्रिपल डैश ऑफ ज़ीरो, थर्ड डेरिवेटिव में जब हम ज़ीरो पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ ए होल पावर थ्री, फोर्थ डेरिवेटिव में जब हम ज़ीरो पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? लॉग ऑफ ए होल पावर फोर एंड सो ऑन बाय मैकलॉरिन सीरीज। अब हम क्या करते हैं, मैकलॉरिन सीरीज को यहाँ पे मेंशन करते हैं ताकि आपको पुट करने में आसानी हो जाए। मैकलॉरिन सीरीज, मैकलॉरिन सीरीज हमारे पास क्या आ जाएगी? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स एफ डैश ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय थ्री फैक्टोरियल एफ फोर्थ एट ज़ीरो प्लस एक्स पावर फाइव डिवाइडेड बाय एक्स पावर फोर आएगा, एक्स पावर फोर डिवाइड बाई फोर फैक्टोरियल, सॉरी यहाँ पे एक्स पावर थ्री डिवाइड बाई थ्री फैक्टोरियल, यहाँ पे आ जाएगा थ्री, ठीक है। थर्ड डेरिवेटिव एंड देन फोर्थ डेरिवेटिव एट ज़ीरो प्लस अप टू सो। अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास फंक्शन ए पावर एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो हमारे पास क्या आया था वन प्लस एक्स एफ डैश ऑफ एक्स आ जाएगा, एफ डैश ऑफ ज़ीरो हमारे पास क्या आया था लॉग ऑफ ए प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल लॉग ऑफ ए होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया है सेकंड डेरिवेटिव। सिमिलरली एक्स थ्री डिवाइडेड बाय थ्री फैक्टोरियल एंड देन थर्ड डेरिवेटिव लॉग ऑफ ए होल क्यूब प्लस एक्स पावर फोर डिवाइडेड बाय फोर फैक्टोरियल log of a whole power 4, ये हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस एफ टू अप टू सो ऑन। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आ जाएगा a power x which is equal to 1 plus x log of a plus x log of a whole square divided by 2 factorial प्लस एक्स लॉग ऑफ ए होल क्यूब डिवाइडेड बाय थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स लॉग ऑफ ए होल पावर फोर डिवाइड बाय फोर फैक्टोरियल प्लस अप टू सो विच इज़ द रिक्वायर्ड मैकलॉरिन सीरीज विच इज़ रिक्वायर्ड मैकलॉरिन सीरीज। दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 से जो ऑनवर्ड क्वेश्चन है 10, 11 एंड 12 वो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।